बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आपकी हर परेशानी मुश्किलात अल्लाह ताला दूर फरमाए। तो आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है कलेजी मसाला की रेसिपी आपसे शेयर करने वाली हूँ। झटपट से हमारी तैयार हो जाती है, तकरीबन 5 मिनट में तैयार हो जाने वाली रेसिपी। तो चले आप लोग मेरे साथ रहिएगा, तो मज़ेदार सी हम मसाला कलेजी बनाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे साथ रहिएगा, देखिएगा कि हम किस तरीके से बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप आलू। इधर मैंने ले लिया है, इधर मेरे पास एक प्याज थी बड़े साइज़ की, इसको मैंने चॉप कर लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे। और इधर मैं इसमें डालूंगी अदरक पेस्ट 1 टीस्पून। और इधर मैं इसमें ऐड करूंगी लहसुन पेस्ट 1 टीस्पून है मेरे पास ये भी। और अब अच्छे से हम इसको सोते कर लेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें डालेंगे पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तमाम मसाले को। और अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर प्यूरी, ये मेरे पास थी 3 टमाटर थे, उसको मैंने अच्छे से ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया और अब हम ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। इधर 1/2 टीस्पून में इसमें लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, 1 टीस्पून में इसमें नमक डालूंगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अच्छे से हम इसको भून लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे कलेजियाँ जो पहले से मैंने धो कर अच्छे से रख ली थी, और अब हम ये ऐड करेंगे और अब इसकी बुनाई करेंगे। तो हमारी ज़बरदस्त सी मसाला कलेजी तैयार है 5 मिनट में, कमाल की ये हमारी रेसिपी तैयार है, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। अब अच्छे से हम इसको भून लेंगे, थोड़ा सा हम हरा धनिया डालेंगे। और 2 सब्ज़ मिर्चें हम इसमें काट के डाल लेंगे। और लास्ट में हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून लेमन जूस, मज़ेदार सी वो कलेजी के लिए अच्छा फ्लेवर के लिए। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद है तो आप डाल लें, अगर नहीं है तो। अब हमारी कलेजी अच्छे से भून चुकी है और अब हम इसको डिश आउट करते हैं, तो आप लोग हमारे साथ रहिएगा। आप इसको जल्दी जल्दी से हमें बनाएं और मेहमानों के साथ सर्व करें नान और चपाती के साथ।
जैसा कि आप देखते हैं हमने इसको भी शो कर दिया है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। ईमान अल्लाह। आप लोग ज़रूर